वेलकम बैक अगेन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है इट्स अ बिट ट्रिकी नॉट दैट मच ट्रिकी लेकिन अगर आप मेरे साथ फॉलो करेंगे और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे इंस्टॉल भी कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ़ दिस फ्लटर ठीक है सो यहाँ यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मैकबुक के जो मैक के ऊपर हम फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो आपको सिखाऊंगा सो बेसिकली इसके फोर स्टेप्स हैं सबसे पहले हम फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे देन हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे ओके एंड देन हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक्स uh, कोड को इंस्टॉल करना करेंगे और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हम रन कर सकते हैं ठीक है हम अपना प्रोजेक्ट इसके ऊपर रन करेंगे एंड देन देयर आर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं फ्लटर एंड डॉट सो आप गूगल पर आ जाए एंड सिंपली यहाँ पर टाइप करें फ्लटर इंस्टॉलेशन ओके एंड देन टाइप मैक ओके अब यहाँ पर देखें आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा फ्लटर डॉट डेव एंड डाउनलोड फ्लटर एस टी केस आप इसको ओपन कर लें इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं सो मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ देन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दो किस्म के फीचर्स हैं हमारे पास अभी मैक बुक दो टाइप्स के हैं एक वो जो इंटेल को एज अ प्रोसेसिंग चिप यूज करते हैं सेकंड जो एप्पल की अपनी क्रिएटेड चिप है एप्पल स्लिकॉन वो यूज करते हैं ठीक है इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है बट चिप चिप का डिफरेंस है सो यहाँ पर उन्होंने गूगल की जो टीम है उन्होंने इसके लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर बना रखे हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं आपके पास मॉडल जो है वो एम से नीचे नीचे है मीन्स कि 2020 तक मॉडल है स्टार्ट से लेके टिल 2020 तक आपका मॉडल है ठीक है सो एम वन नहीं है आप ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपनी सफारी की यहाँ पर आ जाएं ओके यहाँ अबाउट दिस मैक आ जाएं यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मैकबुक क्या है मैं इसको ओपन नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन लेकिन आप ओपन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट थिंग अगर आपका जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुका अगर आपका मैकबुक पुराने मॉडल का है फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन uh, है ट्वेंट एटीन सेवनटीन ओके इस सर नाइनटीन ट्वेंटी तो आपने इसको डाउनलोड करना है अगर आपका एप्पल स्ली कौन का है तो आपने इसको इंस्टॉल करना है ठीक है सो मेरे पास अभी जो फ्लटर है वो M1 है मेरे पास तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ठीक है देन आपने करना क्या है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी सो so, जब तक ये इंस्टॉल होती है मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है ओके okay, मैं इसको यहाँ पर पॉज करूँगा एंड देन मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने फोल्डर के अंदर एंड यहाँ डाउनलोड्स में अगर आप देखें ओके okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ्लटर का फोल्डर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल है अब आपने करना क्या है आपने कमांड और स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप सिंपली सर्च करें टर्मिनल कमांड स्पेस ओके रिमेंबर दिस कमांड स्पेस अब आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा ओके okay? सो so मैं इसको कमांड प्लस प्लस आप इसको सॉरी कमांड ओके और प्लस आप इसको करेंगे तो आपका ये जो आ, टर्मिनल है ये बड़ा हो जाएगा सो so, देखें मेरा यहाँ पर जेड एस एच चल रहा है प्रोफाइल ठीक है अगर आप मैकबुक की एम वन वर्जन यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपके यहाँ पर कौन सा आ, प्रोफाइल ओपन है देन आपने यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें फ्लोटर डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर ओके okay, तो यहां पर देखें हमारे पास फ्लटर इंस्टॉल नहीं है अब हमने फ्लटर को इंस्टॉल करना है सो so, उसके लिए हमने क्या करना है हमने यहाँ पर आ जाना है हमने अभी इसको कहाँ पर इंस्टॉल किया सॉरी oh, अगर आप यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है विम डॉट बैश ओके रिगार्डलेस ऑफ अगर आप मैकबुक एम वन के ऊपर हैं सिलिकॉन चिप के साथ या आपके पास पुराना इंटल चिप वाला मॉडल है आपके लिए प्रोसेस सेम रहेगा विम डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल ओके अब आप इसके अंदर आ जाना है आपने एंड देन आपने करना क्या है यहाँ पर आपने आप डाउन एरो की प्रेस करें तो आप नीचे आ जाएंगे ओके okay? नीचे आने के बाद अगर आप नीचे अगर आपके पास यहाँ स्पेस नहीं है तो आपको यहाँ पर मूव होना पड़ेगा इस तरह से ओके एंड देन आप अगर आई प्रेस करेंगे आई मीन्स इंसर्ट तो या आपको इंसर्ट करने के लिए या आपको कुछ भी अब आप इसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं अब इस प्रोफाइल के अंदर क्या करना है आपने आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है आप सॉरी यहाँ पर अब आपने आपका जो फ्लटर वाला फोल्डर है ना उसका पाथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है ओके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं फ्लटर की ओके यहाँ पर आप नीचे आ जाएं तो देखें ये वाला पाथ है या आपको कह रहा है कि पाथ ऐड कर दें तो आप इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करें रिमेंबर अगर आपने इस प्रोफाइल को एडिटेबल बनाना है तो आपने क्या करना था आपने आई को प्रेस करना था ठीक है यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दें अब आपने करना क्या है यहाँ तक ये यह तमाम चीज़ें एज इट इज़ ओके इसको आपने कैंसिल कर देना है नेक्स्ट थिंग अब अगर आप देखें तो आपका जो ये फ्लटर वाला फोल्डर है ओके okay, अब आपने इसको कहाँ पर सेव करना है तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसको रखा हुआ है तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा ओके okay? यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया अब आपने करना क्या है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपने यहाँ से इस फोल्डर को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाना है इसका पाथ ऐड कर देना है ओके अब पाथ में यहाँ पर स्लैश बी आई एन स्मॉल लेटर में ओके डबल कॉलन इसको आपने कंप्लीट कर देना है एंड अब आपने करना क्या है इसको कॉपी कर लें ओके कॉपी कर लें और ये जो आपने एक्सपोर्ट कर रखा है ना ये चीज़ें ठीक है अगर आप एम यूज़र हैं तो ये आपके लिए है अगर आप एम यूज़र नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है एनी इसका भी लिंक इसके जो ये तमाम जो लिंक है ना ओके ये तमाम जो कोड है ये इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप ऐड करना चाहते हैं सो ये बेसिकली कॉका पोर्ट्स कैर के, के को रिमूव करने के लिए ऐड किया जाता है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओके okay, अब आप देखें हमने यहाँ पर पाथ ऐड कर दिया ओके okay, अब आपने इस टर्मिनल से बाहर निकलना है ओके okay, तो आप क्या करेंगे आपने यहाँ पर स्केप का प्रेस करना है देन कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड नॉट का साइन रिमेंबर दिस बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड नॉट साइन एंड देन आपने क्या करना है इंटर को प्रेस कर देना है आपने इस टर्मिनल को क्लोज कर देना है ओके एंड देन आपने वापस कमांड स्पेस एंड देन आप टर्मिनल में वापस आ जाएंगे एंड यहां पर अब आपने टाइप करना है विम डॉट बी ए एस प्रोफाइल ओके एंड देन सॉरी नॉट दिस वन अब आप सिंपली यहां पर टाइप करें फ्लटर डॉक्टर ओके फ्लटर डी ओ सी टी ओ आर ओके अब आप देखें यहाँ पर जैसे ही आपने फ्लटर डॉक्टर टाइप किया है ना तो आप लोगों में से बहुत सारे यूजर्स के पास यहाँ पर फ्लटर इंस्टॉल हो गया होगा ठीक है और आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ हो गया होगा आपके पास कौन सा फ्लटर ऑफ वर्जन इंस्टॉल हो गया है या आपके पास कौन सा डाट वर्जन इंस्टॉल हो गया बट मेरे केस में इस तरह से नहीं हुआ बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के अंदर दो प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली थी बाई मिस्टेक एक विम डॉट बैश प्रोफाइल ओके और एक का नेम था विम अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ओके अब यही वाला पाथ मुझे इस प्रोफाइल के अंदर भी ऐड करना है अगर मैं नहीं ऐड कर रहा तो वो देखें आपके सामने फ्लटर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा ठीक है सो विम डॉट ओके जेड एस एच और सी ओके जेड एस एच और सी ये मोस्ट ऑफ उसके केसेस में आपके लिए नहीं आएगा ठीक है अगर आप एम वन वाले हैं या आप इंटेल चैप वाले हैं आपके पास ये नहीं आएगा आपके पास ऑलरेडी फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है मेरे केस में इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी ये प्रोफाइल क्रिएट कर चुका था लेकिन अगर आप कभी इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप इस तरह से मेरे साथ फॉलो करेंगे अब आपने क्या करना है अगेन इसको एडिटेबल बनाने के लिए आई प्रेस करें ओके एंड देन आपने करना क्या है यहाँ से अगेन डॉक्यूमेंटेशन में ये देखें ये पाथ यहाँ पर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है ओके ये वाला पाथ ओके अब आपने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है अगेन आप इसको रिमूव कर लें यहाँ तक पाथ तक एंड आप अगेन अपने फोल्डर में चले जाओ और यहाँ से आपका ये फ्लटर ओके okay, देखें ये फ्लटर ओके एंड देन आप बैक स्पेस स्लैश बिन नॉट बिन बी आई एन ओके डबल कॉलन इसको क्लोज कर दें ओके okay, यहाँ पर एंड देन आपने क्या करना है स्केप प्रेस करें देन आप टाइप करें कॉलन डब्ल्यू क्यू नॉट ओके एंड दैट्स इट एंड देन आप इंटर हिट कर दें उसके बाद आपने इस टर्मिनल को क्लोज कर देना है ओके क्लोज कर दिया देन आपने वापस इस टर्मिनल को ओपन कर लेना है एंड अगर आप एफ एल टाइप करेंगे एंड टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें एफ एल से रिलेटेड तमाम कमांड आपके पास आ चुकी हैं अगर आपके पास ये आ जाती हैं इट मीन्स आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं अब आप सिंपली यहाँ पर एफ एल यू डब्लू टी या फ्लटर डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर ओके okay, डॉक्टर आप टाइप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्लटर है वो इंस्टॉल हो चुका है ओके okay? यहां पर देख सकते हैं आप ये आपके पास फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है अब हमारे पास एंड्रॉयड के एच डी के कुछ चीजें इंस्टॉल है इनको मैं दोबारा से आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा एंड देन आपके पास देखें एक्सकोड इंस्टॉल नहीं है वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा क्रोम आपने मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो भी नहीं है तो वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप देखें कि हमारे फ्लटर है वो इंस्टॉल हो चुका है विद थ्री पॉइंट जीरो टू ओ वर्जन ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट चीज़ अब आपने क्या करनी है आपने वापस गूगल में आना है ओके एंड देन आपने अगेन गूगल ओके एंड यहाँ पर लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर मैक नाउ रिमेंबर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉयड की एस हमें चाहिए होंगे चाहे आप किसी भी किस्म की आई डी यूज कर लें आपको स्टिल एंड्रॉयड के एस डी के को यूज करना पड़ेगा ओके okay, उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर मैक ये पहली लिंक ओपन कर लें पहली लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉय स्टूडियो विद दिस 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 देन आप डाउनलोड के ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ पर आइए आपको कहेगा कि इनकी आप प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लें वो कर लिया again you have two options one with the mac with intel chip and the other one one is mac with apple chip ab maine apple chip ke upar click karna hai because main m1 ko use kar raha hu aur aapne mac with intel chip ke upar click click karna hai because aap इंटेल चिप यूज कर रहे हैं ठीक है Intel chip वो मॉडल्स हैं जो कि M1 से पहले के मॉडल्स हैं ठीक है means के MacBook 2020, 20, 19, 17 या 13, 14, ठीक है देन आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम देन आपने आपने आपके पास जब ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आप यहाँ पर चले जाएंगे देखें सर्च में भी आपके पास आ रहा है या आपके ये डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा ओके okay? देन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि प्लीज ओके okay? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ओके ना देट वी हैव अब आप इसको एप्लीकेशन फोल्डर में यहाँ पर ऐड कर देंगे ओके मीन वाइल ये यहाँ पर ऐड हो चुका है ना इफ़ यू गो बैक टू द टर्मिनल मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी सारी चीज़ों को ताकि मैं उसको दोबारा सेटअप सेट करूँ आपके साथ साथ ओके सो मीन वाइल अगर अब आप दोबारा से टर्मिनल में फ्लटर डॉक्टर यहाँ पर हिट करें फ्लटर डी ओ सी टी ओ आर उसको लिखें यहाँ पर ओके तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह सा कंसोल आ जाएगा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ओके अब आप देखें आपके पास एस डी के इंस्टॉल नहीं है आपके पास एक्स इंस्टॉल नहीं है आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो को हमने अभी इंस्टॉल कर लिया था तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है ठीक है अभी हमने कुछ बेसिक चीज चीज़ें रिलेटेड टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करनी है तो अब आप आपने क्या करना है इसके ऊपर आप दोबारा से टैप करेंगे ओके okay? आप यहाँ से आप इसको टैप करें या आप एप्लीकेशन फोल्डर में आ जाएं और यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी होगा तो अब आपने उसको ओपन कर लेना है देन एंड्रॉयड स्टूडियो इज ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट आर यू शो यू वॉन्ट टू ओपन इट येस ओके okay? तो यहाँ पर अगर आपके पास नहीं आता तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास ये एंड्रोड स्टूडियो यहाँ पर आ चुका है आप डायरेक्टली इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं देन आपने यहाँ पर देखें नो एस डी के फाउंड ओके तो अब आप आपने करना क्या है यू मस्ट डाउनलोड द नेसेसरी कंपोनेंट्स आर सेलेक्टिंग एन एस टी के तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करें ठीक है यहाँ पर देखें अब आप आपके पास आ रहा है कि आप पहले एस डी के इस इंस्टॉल कर लें सो so यहाँ पर देखें आपने दो मैप एस डी केस को यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे ठीक है या मैप एस डी के प्लेटफॉर्म अपडेट यूर करंट एंड्रॉइड एस डी के इफ नेसेस्ट्री तो हम यहां पर चले जाए या इसको कर लें ओके सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन ओके अब आप देखें इसको रिमेम्बर ये आपका पात है जहां पर यह एड होगा ठीक है अब आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ओके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप वेट करेंगे कि आपकी तमाम इंस्टॉलेशन जो यहाँ पर ये यह देखें ये हो रही हैं ओके एक्सेप्ट यहाँ से आपने एक्सेप्ट कर लेना है एंड देन आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर अब आप आपने काफ़ी टाइम वेट करना है कि आपकी जो एस डी केस हैं वो सेटअप हो जाए एंड्रॉयड स्टूडियो आपने इंस्टॉल कर लिए कर लिया है उसके आपने एस डी केस को सेटअप करना है तो यहाँ पर अभी आप आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड ओके तकरीबन इट इज इट इज़ द डाउनलोडिंग ऑफ 1.4 और 1.6 पॉइंट की डाउनलोडिंग okay, है ठीक है वो इसको एस टी के इसको इंस्टॉल कर लेगा देन आप फ्लटर एस टी के हेड करेंगे तो आपका ये वाला एरर भी रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलो हमने इसकी इसके लिए डिफरेंट प्लगिनस भी ऐड करनी है सो तो आप मेरे साथ रहेंगे अगर आप इसको यहाँ पर स्किप करेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे ठीक है सो स्टे विद मी मीन मैं तब तक वेट करता हूं जब तक कि ये इंस्टॉल हो जाए ओके सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे कंपोनेंट्स डाउनलोड हो गए एसडी के डाउनलोड्स हो गए एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिनिश ओके सो मैं जब मैंने इस पर क्लिक किया फिनिश तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि देखें ये ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप था तो वो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है मेरे यूजर नेम के साथ ना इफ़ यू सी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट बट यहाँ पर अब एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा वो होगा क्रिएट फ्ल्टर प्रोजेक्ट बट उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर प्लग इन को इंस्टॉल कर लेना है अब वो कौन सी प्लग इन है आप यहाँ पर आ जाए ओके ये मार्केट प्लेस में और यहाँ पर आप सिंपली सर्च करें एफ एल यू तो यहाँ पर आपके पास देखें ये फ्लटर की प्लग है आपने इसको इंस्टॉल कर, करना है जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ओके तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है आई डी को रिस्टार्ट कर दें एंड आपने इसको क्या करना है रिस्टार्ट कर देना है जब आपकी आई डी री हो जाएगी तो यू विल सी कि अब आपके पास यहाँ पर न्यू ऑप्शन आ चुका है एंड दैट इज फ्लटर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बट बिसाइड दिस अगर आप आप दोबारा टर्मिनल में जाएँ और यहाँ पर सिंपली टाइप करें फ्लटर डॉक्टर ओके डी ओ डी ओ सी टी आर या फ्लटर डॉक्टर तो यू विल सी कि अब आपके पास एस डी केस के कुछ इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके होंगे ओके एंड यहाँ पर आप आ जाए ओके या सो आपके पास देखें एंड्रॉय स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है ओके एंड देन यहाँ पर आपके पास एस डी केस की कुछ अभी तक चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई सो कमांड लाइन टूल कंपोनेंट इज मिसिंग इसको हम देखते हैं ठीक है बट एनी अब आप यहाँ पर अगर इंस्टॉलेशन आप देख लें तो इस कमांड को आप रन कर लें यहाँ टर्मिनल में ओके okay? नीचे आ जाए यहाँ पर एंड यहाँ पर अब आप इसकी एंड्रॉयड एस टी के मैनेजर नॉट फाउंड एंड अपडेट द लेटेस्ट एंड रिकॉय एस टी कैन शो दैट कमांड लाइन टूल और इंस्टॉल टू रिजर्व ओके एनी वेज अब आप वापस आ जाएँ एंड यहाँ न्यू फ्लटर के ऊपर क्लिक करें ओके okay? फ्लटर का प्रोजेक्ट नेक्स्ट ओके okay? यहाँ पर अब आप इसको जस्ट एंटाइटल नेम दे दें और जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं ये वो आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन है सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ तो ये मेरी प्रोजेक्ट की लोकेशन हो जाएगी और ये मेरे फोल्डर का नेम हो जाएगा ओके देन वट आई नीड टू डू यहाँ पर इसके लिए कॉटलिन की ये सपोर्ट आई की सपोर्ट एंड्रॉयड की देखें किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको रन होना है वो आप यहाँ से इनेबल कर दें फिनिश कर दें एंड यहाँ पर इट्स एज द प्रोजेक्ट फॉल ओके मैंने एक ऑलरेडी इसी नेम के साथ क्रिएट किया हुआ तो मैं इसको ओवर राइड कर देता हूँ ओके सो नहीं होगा ओके सो मैं इसको कुछ भी नेम दे देता हूँ एंड मैं फिनिश कर देता हूँ एंड वॉ इज सेइंग दिस सो लेट्स गो टू द डेस्कटॉप एंड यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ए बी सी एंड यहाँ पर आप इसको इट विल बी क्रिएटेड बाई एंड्रॉइड स्टूडियो डेस्कटॉप ओके अब आप इसको इंस्टॉल क्रिएट कर दें अब आपका जो प्रोजेक्ट फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो रहा है ओके और ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओके यहाँ पर कुछ चीज़ें डाउनलोड होंगी कुछ चीज़ें सेटअप होंगी और ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओके और यहाँ पर देखें अब आपके पास कुछ एक्सेप्शन भी आ रही हैं आप इसको फॉर द टाइम वीक आप यहाँ से इसको लेट गो कर सकते हैं ओके एंड देन आपने करना क्या है यहाँ पर अब आपके पास ये देखें डिवाइस मैनेजर है देन एक है आपके पास एस टी के मैनेजर एक है डिवाइस मैनेजर आप एस टी के मैनेजर्स में आ जाएं ओके एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपने इसको ऑलरेडी ये ए पी आई थर्टी थ्री आपने इंस्टॉल कर रखा है आप एस टी के टूज में आ जाएं ओके सो एस टी के मैनेजर को आपने ओपन कर लिया ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एस टी के टूल्स में आ जाना है एंड यहाँ पर आप देखें एंड्रॉयड एस टी के कमांड कमांड लाइन अब आपने एंड्रॉयड एस टी को ओके यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है एंड्रॉयड इम्यूलेटर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है एंड्रॉयड एस टी के प्लेटफॉर्म टूल्स वो ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन एंड्रॉयड एस टी के कमांड लाइन टूल्स और ये एन डी के ये दोनों आपने ज़रूर इनको अप्लाई करें ओके एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नाइन थर्टी एम की स्पेस आपको चाहिए होगी एंड देन आप इसको ओके okay करें ओके एंड देन आप वेट करें कि आपकी ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी ठीक है so सो हम वेट करते हैं एंड लेट्स सी ओके कूल सो आप देखें कि यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है अब आप इसके ऊपर फिनिश क्लिक करें एंड देन अप्लाई एंड देन ओके ओके अब आपने यहाँ पर ओके अप्लाई कर दिया देन आपके पास कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं ओके देन अब आप यहाँ पर वापस आ जाए एंड फ्लोटर ओके टी ओ सी टी ओ डॉक्टर अब आप हिट करेंगे यहाँ पर तो अब आपके पास यहाँ पर जो एस के का इशू था वो देखें यहाँ पर फिक्स हो चुका है ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कमांड आप प्लस प्लस यहाँ पर प्रेस करें तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा नो यू सी आपके पास फ्लटर इंस्टॉल हो चुकी है एंड्रॉयड एस डी आपके पास इशू जो है वो ऑलरेडी अब आपके पास यहाँ रिमूव हो चुका है आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है अब आपके पास थर्ड चीज़ जाएगी इन दैट इज एक्स कोड ओके एक्स कोड के ऊपर आप अब एक्स कोड किस तरह से इंस्टॉल करेंगे बट बिफोर दैट आई आई कैनोट सी कि मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश ओके okay. देन आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आ जाएं ओके डिवाइस मैनेजर में अब आप आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है वर्चुअल डिवाइस यहाँ से अब आप, आप कोई भी एक इम्यूलेटर अब आप सेलेक्ट कर लें ओके okay. सो so, मैं यहाँ पर पिक्सल एक्सल लार्ज साइज कर लेता हूँ ओके नेक्स्ट ओके अ सिस्टम इमेज मस्ट बी सेलेक्टेड और यहाँ पर मैं ए पी आई थर्टीन लेवल इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके okay. अब अगेन आपने इसको एम्यूलेटर को इंस्टॉल करने के लिए आप आपने इसको डाउनलोड कर लेना है नेक्स्ट ओके एंड अगेन आप वेट करें बिकॉज अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन वन जी बी सो अब आप वेट करें तब तक ये इंस्टॉल uh, होता है एंड देन मैं आपको ये एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा फॉर एंड्रॉयड देन हम एक्स कोड इंस्टॉल करेंगे एंड फिर एक्स कोड को किस तरह से मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा सो लस्ट वेट फॉर दिस ओके सो डाउनलोडिंग का प्रोस प्रोसेस ख़त्म हो चुका है हमारे पास सिम्युलेटर इंस्टॉल हो चुका है हम इसको फिनिश कर देते हैं ओके एंड फिनिश करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास ये रिफ्रेश हो रहा है ठीक है सो लेट्स वेट फॉर इट एंड मीन वॉयल अगर अब हम इसको फिनिश कर दें इसको इसको हम फिनिश कर दें ओके एंड देखिए अब आपके पास रीफ्रेशिंग ख़त्म हो चुकी है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट एंड देन आप यहाँ पर इसको फिनिश कर दें ओके okay? अब आपके पास वर्चुअल डिवाइस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है एंड देन आप यहाँ से इसको लॉन्च भी कर सकते हैं ओके लेट मी जस्ट यहाँ से इसको मैंने एक्शन के ऊपर क्लिक किया तो अब ये हमारे लिए हमारा जो लॉन्चर है उसको uh, आपके लिए यहाँ पर uh, इसको लॉन्च कर देगा ओके एंड यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है लुक इन टू दिस के ये क्यों टर्मिनेट हुआ है ठीक है सो लेट्स वेट कनेक्टिंग टू द इम्यटर एंड यहाँ पर देखें आपके जो इम्यूलेटर है यहाँ पर आ चुका है ओके एंड देन आप यहां से अब अपने इस प्रोजेक्ट को अगर आप क्लिक करेंगे ओके okay, तो यू विल सी कि आपका प्रोजेक्ट यहां पर रन होगा एंड यहां पर आपके पास सिम्युलेटर में यहां पर रन हो जाएगा और लेट्स वेट फॉर इट बिकॉज इट विल जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सो आपने थोड़ा सा पेशेंट रहना है ठीक है सो थोड़ा सा नहीं काफ़ी पेशेंट रहना है बिकॉज यहाँ पर आप देखें ये आपके पास बिल्ड जो है वो बन रही है एंड देन आपके पास यहाँ पर रन हो जाएगा सो लेट्स वेट फॉर इट ओके सो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इम्युलेटर जो है वो चेंज हो चुका है एंड व्हेन आई टैप ऑन दैट को यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन होगी एंड काम कर रही है बट हेयर इज़ वन थिंग जब मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया था ओके okay, जो एमुलेटर हमने स्टार्ट में यहाँ पर लॉन्च किया था उस एमूलेटर का एम वन के ऊपर इशू है एम वन ठीक है अगर वो इंटर्नशिप के ऊपर है तो मे भी आपके पास इशू ना आए एंड टर्मिनल में आपको कुछ इस तरह सा एर आएगा ठीक है इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीज द एप्लीकेशन कोड नॉट इंस्टॉल रिक्वेस्ट इंटरनल ओनली बट नॉट इनफ मेमरी ठीक है आपकी मेमरी जो है वो इनफ नहीं थी सो so, उसके लिए मैंने क्या किया मैंने यहाँ से इसको दोबारा से यहाँ सीमुलेटर को क्विट किया ओके okay? यहाँ पर मैं वापस आया एंड यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया ओके okay? यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ से क्रिएट डिवाइस पर आया एंड यहाँ से मैंने पिक्सल फाइव ये जो एक पिक्सल फाइव है ठीक है मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट uh, किया है ओके okay? नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट इसको ताकि ये रन हो जाए ओके okay? क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा थी और इसको मैंने फिनिश कर दिया जब मैंने इसको फिनिश किया तो ये आपके पास ओके okay, यहाँ पर आपको कह रहा है कि चेक फॉर अपडेट्स सो लीव इट एज इट इज़ ओके एंड यहाँ पर जो आप, आप, आपका जो नया पिक्सल फाइव था ठीक है आप उसको यहाँ पर लॉन्च कर लें सो या दिस वन Pixel फाइव ठीक है यहाँ पर आप इसको ओपन कर लें अब ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा ओके यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल डिवाइसेस आएंगी फिज़िकल डिवाइसेस वो होंगी जो आपकी केबल के थ्रू आपका मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल आपका कनेक्ट होगा ठीक है अब देखें ये यहाँ पर आ गया और यहाँ से जैसे ही ये प्रोसेसिंग ख़त्म होगी तो मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हमने आई ओ के लिए या मैकबुक के लिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली है फॉर फॉर एंड्रॉयड ठीक है सिमुलेटर में आपके पास ऐप आप रन हो रही है एंड इट्स इट्स वर्किंग वेरी फास्ट ठीक है बट इनिशियल जब आप इसको रन करेंगे तो मे बी इट टेक्स थर्टी मिनट्स मेरे केस में थर्टी मिनट्स लिए थे एंड थर्टी मिनट्स के बाद एक्सेप्शन आई थी जो कि मैंने आपको दिखा दी है कि आपके पास जो आपकी ये जो इम्यूलेटर है इसकी रैम कम है तो काइंडली आप इसकी रैम को सीड कर लें उसके लिए फिर मैंने क्या किया मैंने आपको बताया कि आप यहाँ वर्चुअल डिवाइस में आ जाएँ क्रिएट में आ जाएँ यहाँ से आप पिज्जल फ़ाइव को इंस्टॉल कर लें या पिज्जल एक्सेल एक्सेल को करेंगे तो आपको हाई स्पेक्स मोबाइल सिस्टम चाहिए ठीक है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है तो बेटर ये है कि आप पिक्सल फाइव को करके यहाँ से मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन हो गई रन और यहाँ पर देखें आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है सिम्युलेटर में सो so, ये था एंड्रॉइड फेस अब हम जाते हैं एक्स कोड को इंस्टॉल करेंगे एंड देन एक्स कोड में फिर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा वो तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप ओके सो सो फॉर अभी तक हमने तीन चीजें इंस्टॉल कर ली हैं फर्स्ट फ्लोटर देन एंड्रॉय स्टूडियो देन एंड्रॉय स्टूडियो को प्रॉपर सेटअप किया वर्चुअल डिवाइस के ऊपर रन किया एंड एक एरर आया था कि मैंने एक सिमुलेटर ऑन किया था जिसकी स्पेस कम थी वो एरर आया था मैंने आपको एरर मैसेज दिखाया था एंड देन मैंने आपको इनदर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट की थी जिसमें वो एरर रिमूव हो गया था एंड हमारी ऐप रन हो रही थी एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप फर्स्ट टाइम ऐप को रन करेंगे तो हो सकता है आपके थर्टी टू फोर्टी मिनट्स लग जाए ये पॉसिबल है ठीक है मेरे साथ दो आई हैव एम वन मैकबुक एम वन विच इज़ रियली पावरफुल विच वर्क फाइन बट स्टिल फर्स्ट टाइम इतना टाइम लिया है ठीक है नाउ एंड लास्ट में एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये कि अगर आप अपनी आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉयड का इम्यूलेटर काम नहीं कर रहा तो आप अपनी एंड्रॉयड की डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ उसके लिए आपको करना क्या होगा आपने सेटिंग्स में जाके अपनी आपकी, आपकी आप, मोबाइल एप्लीकेशन का एक बिल्ड वर्जन होता है ठीक है आप उसके ऊपर सेवन टाइम टैप्स करें तो वो आपके लिए डेवलपर मोड इनेबल कर देता है फिर आपने डेवलपर ऑप्शंस में जाना है वहां से डेवलपर मोड इनेबल करना है और डिबगिंग मोड इनेबल करना है सो so, इस तरह से आप अपनी जो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन है आप उसको केबल के थ्रू अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड टेस्ट कर सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स कम टू द अदर थिंग अभी हमने एक्स कोड को इंस्टॉल करना है सबसे पहले हम एक्स कोड को, को इंस्टॉल करेंगे एंड वो आपको मिलेगा अगर आपके पास मैकबुक है आपने सबसे पहले क्या कर आपने एप आप स्टोर के ऊपर आ जाना है मेक श्योर कि आप अपनी एप्पल आई के साथ यहाँ पर लॉग हो जाएँ आप सर्च में यहाँ पर टाइप करें एक्स कोड ओके आपने एक्स कोड टाइप किया यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ गया एंड यहाँ से आपके पास आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है वेल दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ ट्वेल्व जी बी तो आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए क्योंकि तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो बिलीव में आपकी डाउनलोडिंग नहीं हो सकती ठीक है अभी देखिए मेरा थोड़ा सा इंटरनेट अच्छा है तो होपफुली ये वन आवर में कंप्लीट हो जाएगा बट अगर आपके केस में ये नहीं है तो आप इसको मेक श्योर sure के आप इसको इंस्टॉल कर लें देन फर्दर स्टेप क्या होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा एक और चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के पास पुराने मैकबुक हैं और उसके लिए एक्स कोड की सपोर्ट ख़त्म हो गई है मीन्स को आप, आपको यहाँ ऐप स्टोर के ऊपर जो एक्स कोड का वर्जन मिलेगा वो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा और वो लेटेस्ट वर्जन में भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल ना हो वो कहेगा कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं इंस्टॉल हो सकता इन दैट केस आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके okay? या आप आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं डिवेलपर डॉट एपल डॉट कॉम डॉट डाउनलोड डाउनलोड स्लैश ऑल स्लैश ओके मेक श्योर के आप अपनी एप्पल आईडी के साथ लॉग इन हो जाएं जब आप इस वेबसाइट को ऊपर आप यहाँ पर आ जाएंगे ओके यहाँ पर अब आपने करना क्या है आ, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा अब पर आप आप जब इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी ओके okay? तो यहां पर अब आप आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा ओके वाई माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग ओके एनीवेज आपके पास सर्च का ऑप्शन हो जाएगा अब ये सर्च का ऑप्शन आपको इनेबल करता है कि आप एक्सकोर्ट के वो वर्जन अप डाउनलोड कर लें ओके okay, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल हैं अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कंपैटिबल नहीं है तो आप नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे फॉर नाउ सी द लेटेस्ट वर्जन एक्स कोड का यहाँ पर ठीक है अब आप एक्स कोड के ऊपर आ जाएं यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसके लेटेस्ट वर्जन और सारी हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं एक्स कोड थर्टीन ओके okay, एंड यहाँ पर अगर आप वापस आ जाएँ तो यहाँ पर एक्स कोड आप सिंपली एक्स कोड सर्च करें ओके okay, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक्स कोड फोर्टीन आपको बीटा मिल जाएगा एंड एक्स एक्स कोड थर्टीन एंड देन आप नीचे आते जाएँ फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स कोड यहाँ पर ट्वेल्व आपके वर्जन के साथ कंपेटेबल है आपको वो भी मिल जाएगा व्यू डिटेल्स एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आप मेरे साथ फॉलो करेंगे फॉर द टाइम बींग क्योंकि अभी हमारा एक्सपर्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हैं इट विल टेक एन आवर तो फिर ये जब डाउनलोड हो जाए आगे किस तरह से प्रोसेस करेगा फिर मैं आपको आगे वीडियो में सिखाता हूँ एंड अपनी एप्लीकेशन को फाइनली आई आयोज सेम्यूलेटर के ऊपर रन करके दिखाऊंगा ओके सो एक्स कोड को डाउनलोड होने में एग्जैक्टली exactly तीन दो घंटे या तीन घंटे लग चुके हैं ठीक है सो फाइनली so ये डाउनलोड हो गया नाउ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन इट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आपने कमांड फॉर एग्जाम्पल आपने एप आप स्टोर से नहीं डाउनलोड किया था ना आपने कमांड एंड देन आपने प्रेस करना है स्पेस एंड यहां पर आप सिंपली लिखें एक्स कोड तो आपके पास स्टिल यहां पर ऑप्शन आ जाएगा एंड देन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा ओके नाउ लेट्स वेट फॉर इट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट बिकॉज मुझे भी भूल चुका है यह किस तरह से पहले डाउनलोड होता था बट एनी वेज द डिफिकल्ट पार्ट इज डन एंड डाउनलोडिंगज इट इज ट्वेल्व जी बी सॉफ्टवेयर सो इसको डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा ना हो तो ओके सो यू कैन सी क्लियरली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है ठीक है ना वट वी नीड टू डू अब हमने जाना है अपना um, Android स्टूडियो में इफ यू रिमेंबर आपको मैंने लास्ट वीडियो में सॉरी uh, मैंने आपको सॉरी uh, इससे पहले वाले स्टेप में मैंने आपको सिखाया था हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ये वाला ठीक है एंड उसमें हम हमने क्या किया था हमने अपनी आईओएस की जो डिवाइस थी उसको रन uh, किया था सॉरी वट आई एम से ओके सो हमने प्रोजेक्ट रन किया था और सिम्यूलेटर केम्यूलेटर के ऊपर रन किया था नाउ अब हमने करना क्या है अब हमने सिम्यूलेटर के ऊपर रन करना है ठीक है सो अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर ये सिम्यूलेटर ऑन हो गया है लेकिन ये आपके पास डायरेक्टली अब बिल्ड नहीं होगा ठीक है सो so, उसके लिए हमने क्या करना होता है हमने कोका पोर्ट्स को इंस्टॉल करना होता है ठीक है सो उसके लिए अब हम आ जाए यहां पर लिखे फ्लोटर मैक इंस्टॉलेशन ओके एंड हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं वर्ड डिस डॉक्यूमेंटेशन से एंड आप नीचे आ जाएं ओके एंड देन ओके ये लिंक ओपन हो जाए लेट्स सी हम कोका पोट्स बेसिकली जो कोका पोर्ट्स होते हैं ना वो आपकी जो प्लगइन्स वगैरह होते हैं ना उनको एक्स कोड उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है आप नीचे आ जाएं नीचे आ जाएं एंड यहाँ पर पाथ के बाद ये देखें यह आई ओ एस सेटअप ठीक है अब आप यहाँ पर आ जाएं नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें सेटअप एंड देन आपको माई क्रिएट एंड देन अगर आपने डिप्लॉय टू आई ओ एस डिवाइस ठीक है अगर अब आपने यहाँ पर इसको रन करना है इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर लेता हूँ ओके सो होपफुली यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा अगर नहीं आए तो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब न्यू वर्जन में आपके पास कॉका पॉट्स का इशू ना आए बट एनी वेज आपके पास इशू आ जाएगा उसके लिए आपने क्या करना है आपने इस कमांड को कॉपी करना है ओके okay? अगर आप रिमेंबर अगर यू यू कैन स्किप दिस स्टेप इफ यू योर एप्स डू नॉट डिपेंड ऑन फ्लटर प्लगन्स लेकिन क्योंकि फ्यूचर में हमारी ऐप जो है फ्लटर प्लगन पर डिपेंड करेगी फिलहाल नहीं हो नहीं डिपेंड कर रही तो होपफफुली कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा ठीक है लेकिन क्योंकि फ्यूचर में करेगी तो अब आपने टर्मिनल में आ जाना है ओके यहाँ पर आ जाना है एंड देन आपने Uh, यहाँ पर इस कमांड को रन कर देना है ठीक है सो लेट मी रीड द डॉक्यूमेंटेशन द डिफॉल्ट वर्जन रिक्वायर्ड शुड टू इंस्टॉल कोका पर जब इफ यू यू आर यूजिंग वर्जन माइट अप टू रन विद विदाउट सूडो एडिशनल इफ यू आर इंस्टॉलिंग ऑन एव रन रन दिस कमांड ओके नाउ ओके अगर आप मैकबुक या वो एप्पल uh, का वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एम सॉरी लैपटॉप जो कि एम चिप को यूज नहीं करता उसके लिए आपने ये कमांड एडिशनली रन करनी है अगर आप एम वन को नहीं यूज़ कर रहे जिप में जिसमें आपके पास सिलिकॉन चिप यूज होते सिलिकॉन चिप नहीं यूज़ होती जो आपके पास ओल्ड मॉडल हैं जिसमें इंटेल चिप होती है तो आपने उसके लिए इस कमांड को रन करना है कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है देन आपकी लैपटॉप का पासवर्ड और ये कोका पोर्ट्स आपके लिए इंस्टॉल हो जाएंगे ठीक है बिकॉज आई एम यूजिंग एम वन तो मुझे ये एडिशनल कमांड भी यहां पर ये एडिशनल कमांड यहां पर रन करनी पड़ेगी और ये देखें मेरा जो कोका पोर्ड है वो इंस्टॉल हो गया है ये कमांड एम के लिए है अगर आपके पास मैकबुक एम या एम वन प्रो मैक्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं आपकी आ, कोका पोर्ट इंस्टॉल हो जाएंगे ठीक है अगेन यहाँ पर ओके सो इट्स नॉट वर्किंग ओके okay, पहले इस कमांड को आपने रन करना है ओके सेपरेटली देन आपने क्या करना है यहां पर आपने इस कमांड को रन कर लेना है अलग से ओके सो यहां पर आप देखें तो इफ यू रिमूव दिस जिम दिस चीज विल नॉट बी मैट तो यस मैंने ऑलरेडी कॉका पोर्ट इंस्टॉल किए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन आप इस कमांड को रन करें तो आपके लिए ये अगेन वही देखें जो मैंने अभी इंस्टॉल किए थे ना वो मेरे लिए दोबारा से बिल्ड हो चुके हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है थीके? जो पहले रिमूव किए थे क्योंकि मैं पहले से डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैंने उनको रिमूव करना भूल गया था बट एनी वेज अगर आप एम वन के ऊपर हैं तो आपको इसको आप इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे ठीक है होपफुली अब आप देखें एनी आपकी एप्लीकेशन आप देखें यहाँ रन हो चुकी है आईओएस के लिए भी और आपकी इंस्टॉलेशन भी कम्प्लीट गई है ठीक है सो दिस दिस इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड इस वीडियो मैंने कम्प्लीट आपको इंस्टॉलेशन सिखाई है आप किस तरह से फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं मैकबुक के ऊपर इंक्लूडिंग द मैकबुक विद इंटेल चिप एंड द मैकबुक विद स्लिकॉन चिप ठीक है तो so, दोनों दोनों लैपटॉप्स या दोनों लैपटॉप्स के अंदर आप मैकबुक के अंदर मैकबुक के ऊपर आप फ्लटर इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है सो होप फुली आपको वीडियो पसंद आई होगी आई नो आपकी पसंद आई होगी बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मुझे छः घंटे लगे हैं द रीज़न कि कभी इंटरनेट सही काम नहीं करता था कभी एक्स को इंस्टॉल नहीं होता था तो इस तरह के इशूज़ आते थे और क्योंकि अब हमारे पास सारी जो इशूज़ हैं वो फिक्स हो चुके हैं हमने इंस्टॉलेशन कर ली है एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं आपको फ्लटर प्रैक्टिकली बेसिक्स सिखाऊंगा ठीक है बहुत ज़्यादा बेसिक्स है सो होपफुली आपकी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस